बाला बेहट पाली तहसील क्षेत्र अंतर्गत साधन सहकारी समिति में उप जिलाधिकारी पाली विशेश्वर सिंह, सीओ के एन पांडे, थाना प्रभारी यशवंत सिंह बाला बेहट ने पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के लिए डीएपी खाद का वितरण कराया। आपको बताते चले, बीते लगभग 8 दिनों से जनपद ललितपुर में खाद की काफी किल्लत चल रही थी। 2 दिन पूर्व प्रशासन द्वारा जनपद के किसानों को 16,000 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध कराया गया है। खाद आने से किसानों ने कुछ राहत की सांस ली। जिलाधिकारी अनवी दिनेश कुमार ने प्रत्येक खाद दुकान पर बिक्री की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए, ताकि खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। साथ ही दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को वितरण के दौरान चाक चौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिलाधिकारी ने खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध गैंगस्टर एवं रासुक की कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं, ताकि बाजार में किसानों को आसानी के साथ खाद उपलब्ध कराया जा सके। सोमवार को शाम के समय बाला बेहट से सहकारी समिति सचिव कुंदल लाल उदैनिया, पहलवान सिंह तोमर, दयाशंकर व्यास, सुरेश साहू आदि कर्मचारियों ने केंद्र पर खाद्य वितरण किया। सहकारी समिति पर खाद वितरण के दौरान ग्राम प्रधान दौलत राम साहू बाला बेहट, निर्वल सोनी, मयंक नगाइच, अंकित मिश्रा, पप्पू यादव, दारा अंकित देवालिया, शिवेंद्र राजा बाबू आदि किसान मौजूद रहे।